तो दोस्तों अब हम देखेंगे कॉलेट समरिंग कैसे बनाते हैं। ये हमारा जो कॉलेट है जो प्रीवियस हमने लास्ट बनाया था, अब हम इस कॉलेट का जो प्रॉन्ग है इसको जो प्रॉन्ग का हाइट उसको शॉर्ट करेंगे। ये हमने कमांड लिया सॉलिड पॉइंट। तो इससे क्या होता है, मटेरियल का जो पॉइंट्स होता है, सॉलिड का पॉइंट्स जो होता है वो पॉइंट्स ओपन हो जाता, ऑन हो जाता है। तो इससे हम सेलेक्ट करके हम इसको डाउन कर देंगे। फिर इसको हम एक नॉर्मल साइज़ में लेके आके हम इसको देखेंगे कैसे ये लुक वाइज आता है। और उसके बाद में हम इसका एक 6 पीस का एक कॉलेट बनाएंगे जिसको हम डायमंड रिंग बोलते हैं, सिंपल डायमंड रिंग आज हम उसको बनाएंगे। तो अभी हम इसको एक कॉपी करके इस तरह से हम ड्रैग करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे इसको, और हम इसे सिलेक्ट करके इसको एरे पोलर करके इसको और 6 डायमंडों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इस कॉलेट में जो प्रॉन्ग्स आप देख सकते हो, काफ़ी सारे प्रॉन्ग्स आ गए, हमें इतने सारे प्रॉन्ग्स नहीं चाहिए। हम सिर्फ 2 ही प्रॉन्ग्स को लेकर उसको हम सेट करेंगे। तो हमने ये डायमंड्स को हाइट कर दिया और अब हम सिलेक्ट करेंगे सारे प्रॉन्ग्स को कुछ इस तरह से, रिमूव फ्रॉम ग्रुप करके, और ये 2 प्रॉन्ग्स को हम रख के बाकी सब डिलीट कर देंगे। अब हम इस डायमंड को एरे करेंगे सिलेक्ट करके, इस तरह से हमारे पास ये डायमंड का बंच आ जाएगा। इसको हम शिफ्ट कर लेंगे जो सेंटर वाला प्रॉन्ग है, रोट ऑप्शन लेके इस तरह से इसको हम एंगल में लेकर आएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको मूव करके थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर हम इसको मैरे पोलर करके करने के बाद में इस डायमंड को हम मूव करेंगे इस तरह से, और इसको भी हम एरे कर लेंगे एरे पोलर करके। इसको भी हम प्रॉन्ग्स और भी इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इस सारे ग्रुप सारे प्रॉन्ग्स को, मटेरियल्स को, डायमंड्स को हम सब सेलेक्ट करके इसको फिर हम एक ग्रुप बना लेंगे ताकि ये हम जो भी काम करें हमें डिस्टरबेंस ना हो और हम इससे अच्छे से काम कर सकें। और ये जो डायमंड है, जो सेंटर डायमंड, इसे हम हमेशा एंगल में लेते हैं। ये डायमंड के काम करने का एक तरीका है दोस्तों। कभी भी जो सेंटर का जो डायमंड हो ऊपर की तरफ का, सीधा नहीं होता, वो 45 डिग्री एंगल में होता है। वो क्यों होगा मैं भी आपको बताता हूँ। अब हम लेंगे एक रिंग का सर्कल, मोस्टली स्टैंडर्ड सब जो होता है 17.6 जो इंडिया में चलता है उसी तरह से हम इसको भी 17.6 का एक सर्कल ले लेंगे। और सर्कल लेने के बाद हम इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद में हम F6 जो बटन है F6 क्लिक करेंगे और हमारे पास एक पैलेट ओपन हो जाएगा, ये रहा। और इसमें से हम प्रोफाइल लेंगे, प्रोफाइल पैलेट, और इसको हम जो भी हमारे पास आया है शेप, शेप इसमें इसमें कई सारा और भी शेप है, आप चाहो तो आप पैलेट में चेक कर सकते हो, पर मुझे अभी यही दिखाना है। तो इसके लिए मैं आपको इससे काम करके दिखाऊंगा किस तरह से होगा। इसको हमें साइजिंग करना है जो स्टैंडर्ड साइज है, आप ट्रायल के लिए कुछ भी ले सकते हो, पर जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 2 mm, 2.5 mm, कहीं कहीं पे 3 mm भी होता है।
अब इसका हम एक कॉपी ले लेंगे, कॉपी करके इसको अभी हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको एंगल में लिख के आएंगे, स्ट्रेट एंगल में चाहिए दोस्तों। स्ट्रेट एंगल नहीं होगा तो फिर हमारा काम थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए हमेशा जब भी आप प्रोफाइल में काम करो तो प्रोफाइल को हमेशा एंगल में रखने का कोशिश कीजिएगा, 45 और 90 डिग्री के एंगल में। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट ले लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में इसको एक साइज दे देंगे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। इस तरह से हम हाइट और वेथ का दोनों का हम मेजरमेंट प्रॉपर से ले लेंगे। फिर हम फिर से एक बार बस मेन सर्कल को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा आईडी है। फिर हम इसको स्वीप वन हिस्ट्री करेंगे। इस तरह से दोनों प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देना है। अभी दोस्तों ये प्रॉपर से नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक हो गया शायद हमारा। हम फिर से इसको कंट्रोल जेड करके बैक जाएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम कोशिश करेंगे और ये हमारा रेडी हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारा सिंपल डायमंड रिंग विद इन 5 मिनट्स। और इसको थोड़ा सा हम हाइट दे देंगे डायमंड को, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसका भी हम सॉलिड पॉइंट सिलेक्ट करके इसका हम हाइट बढ़ा लेंगे। तो आपको कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो को देख के? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। और आपके जो चाहने वाले आपके दोस्त जो सीखना चाहते हैं ज्वेलरी कैड डिज़ाइनिंग, उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताइएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।